हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे लाइट के दो नेचर के बारे में, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सबसे पहले पार्टिकल नेचर डिस्कवर किया था मैक्स प्लैंक ने, और उन्हें बताया था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में आती है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। उन फोटोन को हम क्वांटम भी कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्ट क्वांटिटी होती है एनर्जी की, उसे हम क्वांटम कहते हैं। जिसकी एनर्जी निकालते हैं हम E इज़ इक्वल टू h न्यू से। E उसकी एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की जो हम देखते हैं। क्वांटाइजेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर की। ये आदमी या तो 1 मीटर पर चढ़ सकता है, 2 मीटर पर चढ़ सकता है, 3 मीटर पर चढ़ सकता है, या 4 मीटर या 5 मीटर पर चढ़ सकता है। लेकिन ये इनके बीच में नहीं चढ़ सकता, जैसे 4.2, 3.3, इन वैल्यूज़ पे नहीं चढ़ सकता है। जब भी किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएँ तो हम उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। इस केस में जिसकी हाइट है वो क्वांटाइज्ड है सीढ़ियों की। जो क्वांटम की एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी ऑफ क्वांटम इज़ क्वांटाइज्ड। उसकी एनर्जी होती है ई इज़ इक्वल टू एन एच न्यू, एन जहाँ पर 1, 2, 3 होता है, और ई की वैल्यू एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू या इससे ज़्यादा आ सकती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, फोटोन की पहली प्रॉपर्टी है फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। फोटोन की दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसका मास 0 होता है और उसकी एनर्जी रेस्ट पे 0 होती है। फोटोन की तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो जब भी किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो उसे एनर्जी दे देता है जिससे वो एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रेड लाइट की एनर्जी लोएस्ट होती है और वॉयलेट की हाईएस्ट एनर्जी होती है।